लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज के क्लास में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अवधारणा का अध्ययन करते हैं और वह अध्ययन है संप्रभुता का। वह अध्ययन है किसका? संप्रभुता का। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसको राज्य का सर्वोच्च तत्व कहा जाता है क्योंकि जनसंख्या भूभाग सरकार के होने पर भी कोई भी राज्य राज्य के रूप में अवधारणा के रूप में अवतरित नहीं हो सकता जब तक के राज्य के पास संप्रभुता ना हो। उदाहरण के रूप में भारत 15 अगस्त 1947 से पूर्व राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता था क्योंकि संप्रभुता उसके पास नहीं थी, जबकि जनसंख्या निश्चित भूभाग और सरकार का तत्व उपलब्ध था। इसलिए राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता अंग्रेजी के सावरेंटी का हिंदी रूपांतरण है। यह सावरेंटी का हिंदी रूपांतरण है और यह लैटिन भाषा के सुपर एवं एनस शब्द से बना है, जिसमें सुपर का अर्थ सर्वोच्च होता है और एनस का अर्थ शक्ति होता है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता का सामान्य अर्थ निकलता है। सावरेंटी को फ्रेंच भाषा में सावरेन कहा जाता है। सावरेंटी को फ्रेंच भाषा में सावरेन कहते हैं। संप्रभुता की अवधारणा को समझने के लिए आपको एक बात समझ लेना होगा कि संप्रभुता के मूलतः दो पक्ष हैं। एक पक्ष इसका आंतरिक है, और दूसरा पक्ष है इसका बाह्य। संप्रभुता के आंतरिक पक्ष के अनुसार राज्य अपने अंतर्गत निवास करने वाले नागरिकों को आज्ञा देता है और आज्ञा के उल्लंघन पर उसको दंड देने का अधिकार है। यही वह तत्व है जो राज्य को अन्य सभी संघ संगठन और समुदाय से अलग कर देता है। बाह्य पक्ष का आशय है कि राज्य अपने इच्छा अनुसार किसी अन्य राज्य के साथ वैदेशिक नीति का पालन कर सकता है, किसी अन्य राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। ये तो बात सामान्य अर्थ की है संप्रभुता की। हम लोगों के लिए एक सवाल यहाँ पर आता है कि संप्रभुता की अवधारणा का विकास किस प्रकार से हुआ और यह अवधारणा कब की है? यह अवधारणा मूलतः आधुनिक काल की है। संप्रभुता की अवधारणा कब की है? प्राचीन यूनान की है, मध्यकाल की है या आधुनिक काल की है? आपको सही उत्तर क्या होगा? आधुनिक काल में संप्रभुता की अवधारणा का विकास होता है। बट इसके पहले हम लोग एक बात और देख लेते हैं कि आखिर प्राचीन यूनान में और मध्यकाल में संप्रभुता की धारणा का विकास क्यों नहीं हो पाया? प्राचीन यूनान को अगर देखते हैं तो अरस्तु एक ऐसा चिंतक है जिसने
संप्रभुता का तो प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसकी जगह पर सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग करता है। नगर राज था, छोटे छोटे स्वतंत्र नगर राज अस्तित्व में थे, और सबसे मुख्य बात यह थी कि तत्कालीन यूनान में राज्य और समाज के मध्य कोई अंतर स्थापित नहीं किया जाता था। संप्रभुता मूलतः राज्य की विशेषता है, इसलिए प्राचीन यूनान में स्पष्ट रूप से संप्रभुता की धारणा का विकास नहीं हो पाया। आपको यहाँ एक बात स्मरणीय रूप में याद कर लेना है कि राज्य और समाज में राज्य एवं समाज में अंतर नहीं किया है किस विचारधारा ने, तो उसमें दो विचारधाराएं आती हैं, एक है आदर्शवाद और दूसरा है बहुलवाद। आदर्शवाद के द्वारा राज्य और समाज में अंतर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि आदर्शवाद राज्य और समाज को एक मानता है, क्योंकि वह राज्य को सर्वोच्च और साध तथा सर्वोच्च संगठन के रूप में स्थापित करता है, इसलिए इसने राज्य और समाज के मध्य कोई अंतर स्थापित नहीं किया। प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक चिंतन में राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं मिलता। दूसरा है बहुलवाद। बहुलवाद ने भी राज्य और समाज में अंतर नहीं किया, परंतु इसका कारण बहुलवाद की विचारधारा में एकदम अलग है। बहुलवाद ने इसलिए अंतर स्थापित नहीं किया क्योंकि बहुलवाद यह मानता है कि राज्य के समान अंतर अन्य संघ और संगठन भी संप्रभुता में भागीदार हैं। इसी के कारण प्राचीन यूनान में संप्रभुता की अवधारणा का विकास नहीं हो पाया। मध्यकालीन राजनीति विज्ञान में भी संप्रभुता की धारणा का विकास नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर दो तलवारों का सिद्धांत प्रचलन में था। यहाँ पर तलवार का अर्थ शक्ति है, एक शक्ति चर्च के हाथ में और दूसरी शक्ति राज्य के हाथ में थी, जबकि हम जानते हैं कि संप्रभुता अविभाज्य होता है। जब संप्रभुता का विभाजन चर्च और राज्य के मध्य हो गया, तब संप्रभुता की अवधारणा का विकास मध्यकाल में नहीं हो पाया। अब यहाँ पर संप्रभुता के स्पष्ट धारणा का विकास किस प्रकार से आधुनिक काल में होता है, हम लोग इसको देखते हैं। संप्रभुता की अवधारणा का विकास पूर्णतः स्पष्ट रूप में आधुनिक काल में हुआ। संप्रभुता की अवधारणा का विकास स्पष्ट रूप में आधुनिक काल में होता है। और संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या करने का श्रेय है फ्रेंच विचारक बोंदा के द्वारा 16वीं सदी में 1576 ईस्वी में डे रिपब्लिका नामक पुस्तक के अंतर्गत सिक्स बुक्स कंसर्निंग नामक अध्याय में संप्रभुता की अवधारणा का स्पष्ट व्याख्या किया, और बोंदा ने कहा कि संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर एक सर्वोच्च सत्ता है जिस पर कानून का
कोई नियंत्रण नहीं पाया जाता। यह परिभाषा दिया बोंदा ने, इसलिए आता है कि संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया? फ्रेंच विचारक बोंदा ने। असंप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च सत्ता है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं, यह मत किसका है? आपको क्या लगाना है? यह मत बोंदा का है। लेकिन इसके बाद भी बोंदा ने असंप्रभुता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए, इसीलिए इनको आंतरिक संप्रभुता का प्रतिपादक कहा जाता है। बोंदा का संप्रभुता कौन सी संप्रभुता है? आंतरिक संप्रभुता। इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया इसने संपत्ति एवं उत्तराधिकार का, संपत्ति एवं उत्तराधिकार का तथा दैवी कानून का, तीसरा नैतिक मान्यता का। ये प्रतिबंध बोंदा के द्वारा लगा दिए गए। अब बोंदा के बाद संप्रभुता के अवधारणा का विकास आधुनिक काल में 1625 ईस्वी में होता है, जबकि हॉलैंड के चिंतक ग्रोशियस के द्वारा बाह्य संप्रभुता का विचार दिया गया। यह बाह्य संप्रभुता का विचार ग्रोशियस ने कब दिया था? 1625 ईस्वी में, क्योंकि इसने संप्रभुता के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रतिबंध लगाया था। इस प्रकार से एक बात तय हो गया कि बोंदा के द्वारा संप्रभुता पर आंतरिक प्रतिबंध लगाया गया और ग्रोशियस के द्वारा बाह्य प्रतिबंध लगाया गया। तब इसके बाद आधुनिक काल में संप्रभुता के विकास की एक तीसरी अवस्था आती है, और इस तीसरी अवस्था का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है ब्रिटिश चिंतक हॉब्स को। हॉब्स के द्वारा लेवियाथन के अंतर्गत 1651 ईस्वी में बोंदा के द्वारा लगाए गए आंतरिक प्रतिबंध और ग्रोशियस के द्वारा लगाए गए बाह्य प्रतिबंध को खत्म कर देता है, और बाह्य प्रतिबंध को खत्म करके इसके द्वारा एक निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन किया गया। हॉब्स का मानना है शासक या राजा कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, उसके ऊपर चाहे धर्म का प्रतिबंध हो या अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रतिबंध हो, यह कोई प्रतिबंध उसके ऊपर लागू नहीं होता। हॉब्स के पश्चात एक अन्य चिंतक है जो ब्रिटेन का ही विचारक है, जिसका नाम है लॉक के द्वारा सर्वप्रथम सीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया गया। आपके एग्जाम में अक्सर यह सवाल पूछा जा रहा है कि सीमित संप्रभुता का प्रतिपादन पहली बार किसने किया था? जॉन लॉक ने। इसीलिए इसने कहा कि राज्य जन सहमति पर आधारित संगठन है, और
इसने संप्रभुता के बजाय इस शक्ति शब्द का प्रयोग किया। और इसका तथ्यात्मक अगर विश्लेषण करते हैं तो इसने माना कि संप्रभुता का निवास मतदाता या निर्वाचक गण में है, इसलिए माना जाता है कि लॉक ने राजनीतिक संप्रभुता का समर्थन किया है। लॉक के बाद एक अन्य विचारक आता है आधुनिक काल का, जिसको रूसो कहते हैं। रूसो के द्वारा संप्रभुता को जनता में निहित माना गया, इसलिए कहा जाता है कि लोक या लोकप्रिय संप्रभुता का विचार रूसो के द्वारा दिया गया। इसने इसका वर्णन करते हुए कहा कि संप्रभुता का निवास सामान्य इच्छा में होता है, और सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है, जो हर हाल में उपयुक्त होती है, सदैव सही होती है, वह कभी गलत नहीं होती, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य जन कल्याण की भावना को आगे बढ़ाना होता है। इसी बात को और समर्थन किया है आगे चलकर टीएच ग्रीन ने, और इसी की बात का लोकप्रिय संप्रभुता की ही बात किया है हेनरी मेन ने। हेनरी मेन के द्वारा एक प्रसिद्ध कथन कहा गया, और आपके एग्जाम में यह सवाल के रूप में भी आता है कि जनता की आवाज़ ही ईश्वर की आवाज़ है, यह किसका कहना है? सर हेनरी मेन का। जनता की आवाज़ ही ईश्वर की आवाज़ है, यह कथन किसका है? सर हेनरी मेन का। बट यहाँ तक संप्रभुता का डेवलपमेंट होता रहा आधुनिक काल में, परंतु अभी तक भी संप्रभुता की साफ साफ स्पष्ट अवधारणा का प्रतिपादन नहीं हो पाया था। संप्रभुता के स्पष्ट और सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करने का श्रेय ब्रिटिश विधि शास्त्री जॉन ऑस्टिन को जाता है। जॉन ऑस्टिन के द्वारा 1832 ईस्वी में एक पुस्तक का लेखन किया गया, और उस पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन जुरिसप्रूडेंस, विधि शास्त्र का व्याख्यान, नामक पुस्तक का लेखन किया गया, और इसमें कानूनी संप्रभुता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की। इनका कहना है कि जब किसी एक निश्चित श्रेष्ठ मानव के आज्ञा का पालन समाज का अधिकांशतः भाग आदतन करता है, और वह अपने ही समान किसी अन्य की आज्ञा का पालन करने को बाध्य नहीं है, तब वह निश्चित श्रेष्ठ मानव संप्रभु होगा, और उसके साथ संपूर्ण समाज एक संप्रभु युक्त समाज कहलाएगा। यह परिभाषा दिया, इससे एक बात स्पष्ट हो गया ऑस्टिन के द्वारा कि संप्रभुता का निवास
निश्चित श्रेष्ठ मानव में होता है। आपको सवाल आएगा कि यह कथन किसका है, क्या लगाएंगे? यह कथन है ऑस्टिन का। और इसके साथ साथ यह सवाल भी आता है कि संप्रभुता का निवास निश्चित श्रेष्ठ मानव में नहीं है, यह कहना किसका है? हेनरी मैन का, क्योंकि हेनरी मैन ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ आलोचक माना जाता है। हम लोग अपने विस्तृत क्लास में इस बात को देखेंगे कि ऑस्टिन भले ही संप्रभुता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की हो, लेकिन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के अनेक आधारों पर आलोचना भी की गई है। ऑस्टिन के द्वारा संप्रभुता से जुड़ा हुआ एक और सवाल आता है, कानून संप्रभु की आज्ञा है। अब यह कथन कितना सत्य है, कितना असत्य है, इस बात का विश्लेषण और अन्वेषण करना आवश्यक है, जो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ऑस्टिन के अपरिभाषा के आधार पर जो तत्व आते हैं, उन तत्वों की व्याख्या कितनी सही है, कितनी सही नहीं है, और उसके आलोचना के कौन कौन से आधार बनते हैं। ऑस्टिन के बाद संप्रभुता के एक अलग दृष्टिकोण से भी व्याख्या की गई, और वह व्याख्या करने का श्रेय है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्गीय संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किया गया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि संप्रभुता एक वर्ग विशेष की है, क्योंकि यह पूंजीपति वर्ग अपने अंतर्गत धारण करता है, और संप्रभुता का प्रयोग मजदूर और गरीब वर्ग के शोषण के लिए किया जाता है। इसलिए संप्रभुता सार्वभौमिक अवधारणा न होकर एक वर्गीय अवधारणा है। कार्ल मार्क्स के पश्चात एक अन्य चिंतक है जिसको फांसीवाद का जन्मदाता कहते हैं, मुसोलिनी के द्वारा निरंकुश संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किया गया। निरंकुश संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन करते हुए मुसोलिनी ने कहा कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर अथवा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस बात का अध्ययन किया कि संप्रभुता क्या है, और संप्रभुता के पक्ष कितने हैं, और संप्रभुता की अवधारणा आधुनिक काल की है, प्राचीन काल की है, या मध्यकाल की। आपने देखा कि संप्रभुता की अवधारणा पूर्णतया आधुनिक काल की अवधारणा है, और यह बूंदा बूंदा के बाद ग्रोशियस, ग्रोशियस के बाद हाफ्स, हाफ्स के बाद लाख, लाख के बाद रूसो, और रूसो के बाद टेच ग्रीन, हेनरी मैन, और सबसे महत्वपूर्ण चिंतक ऑस्टिन, और ऑस्टिन के बाद कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्गीय संप्रभुता और मुसोलिनी के द्वारा निरंकुश संप्रभुता का विचार किया गया। इस प्रकार से अनेक चरणों से गुजर करके संप्रभुता की अवधारणा राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य विषय आज बना हुआ है, क्योंकि संप्रभुता के बगैर हम राज्य की परिकल्पना किसी भी रूप में नहीं कर सकते, और यही वह तत्व है जो राज्य को अन्य सभी संघ संगठन और समुदाय से अलग करता है। तो हम लोगों का संप्रभुता के संदर्भ में आज का क्लास यहीं तक था। आप लगातार देखते रहें लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला को। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।